पाकिस्तान 137, 138, 138 पे रुकी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। आज की वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। दो जबरदस्त सी बाइकें, एक है न्यूली लॉन्च ड्यूक 250 और दूसरी है हमारी लेजेंडरी पल्सर 220 बाइक, जिसने मतलब बाइकिंग स्टार्ट की थी और फर्स्ट बाइक थी मेरी 2013 में परचेज किया था, तो इससे काफी अलग ही इमोशन जुड़े हुए हैं। जल्दी से कैमरे के पीछे चलता हूँ और रेस को स्टार्ट करते हैं। और नहीं, उससे पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो भाई जो इसका फेस है ना भाई, एकदम हायाबूसा की याद दिला देता है भाई। इतना प्यारी लगती है ना 220 भाई। पर्सनली मैं बताऊं, मेरी फेवरेट बाइक है 220, इतनी गजब की लगती है। जल्दी से स्पेसिफिकेशन बताता हूं। इसमें आपको 20 पीएस की पावर, 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसमें तो भाई आप सभी को पता है 31 पीएस की पावर, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये देखो, बस इंटरटेनमेंट के लिए ड्रैग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हराना जिताना, बस चेक करना है कि 220 अभी भी पहले जैसे भागती कि नहीं। मेरे पास जब थी ना तब भाई एक्सप्रेसवे वगैरह बना नहीं था, एक नॉर्मल रोड पे मैंने 145 भगाया था, आराम से चली गई थी। ये BS6 है, मेरे पास BS3 थी, तो देखते हैं ये कितना अचीव करती है। जैसे हम लोगों ने किया था ना R15 के साथ, वैसे इसको टॉप एंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितनी पावर है भाई इस लेजेंडरी बाइक में, क्योंकि काफी लोगों ने इस बाइक को देख के बाइकिंग स्टार्ट की थी। तो आप जल्दी से आते हैं GoPro पे और ड्रैग को करते स्टार्ट। सो भाई मैं बैठ चुका हूँ KTM Duke 250 पे। शुभम भाई चलाने वाले हैं पल्सर 220, एक लेजेंडरी बाइक भाई, मतलब फेवरेट बाइक है ये। ऑनेस्टली बताऊँ मेरी, मतलब 2013 में मैंने परचेस किया था, इंस्टा पे आप फोटो वगैरह देख सकते हो। इस बाइक से ना एक अलग ही इमोशन जुड़े हुए भाई। और जब मेरी थी BS3, मुझे याद है यार 145 आराम से चली जाती थी यार। लेकिन चलो आज ड्रैग करके मज़ा आएगा, फिर मैं सेकेंड राउंड में इसको चलाऊँगा अपनी लेजेंडरी बाइक, फेवरेट बाइक पल्सर 220। आई नो थोड़ा सा चेंजेस वगैरह नहीं हुए, लेकिन चलो बैठते हैं, चलाते हैं और हराते हैं अपनी फेवरेट बाइक को। भाई लेजेंड तो है ही, बाइकिंग मतलब स्टार्ट ही इसको देख के किया था, पहली बाइक थी मेरी ये। हाँ भाई, वो मूवीज में आती थी, बिंदास चैंप एक सीरियल आता था। चलो तीन ऑन पे स्टार्ट होगी, मौका देंगे, कोई जल्दी नहीं है। इनिशियल इसका डाउन है यार, इसमें कुछ हुआ है। अरे मुझे लगा पेट्रोल खत्म हो गया। मौका मौका, पहले गैप दिखा दूं, पहले गैप दिखाना जरूरी है आप लोग को। गाइस ये जो नई वाली 220 है ना, इसका इनिशियल है डाउन भाई। गैप दिखाना बहुत जरूरी है, अभी बिना लीन के हूँ मैं। अगर मैं लीन हो जाऊँ भाई, ये क्या बात कर रहा हूँ। ओके वो ज्यादा पीछे रह गई, वो देखो ज्यादा पीछे है, उसको आने देते हैं। अरे भाई शुभम भाई तो निकल रहे हैं। अरे शुभम भाई क्या कर रहे हो, निकल पाओगे? इसको एक बार रोक के देखते हैं 40-80 पे ही। भाई बगल में भाई हिट्टू बैटरी निकल गई। चलो इसको स्लिप स्ट्रीमिंग का मौका देते हैं, टॉप एंड में तो भाई आपको रिजल्ट पता है। देखते हैं इसका लिमिटर कितने पे है, हमें जरा लिमिटर वाला खेल करके आजकल बड़ा मजा आ रहा है, सही बताऊं तो भाई। वो नहीं भाग रही भाई, शुभम भाई ने हॉर्न दे दिया, शुभम भाई को मजा नहीं है इसको भगा के। कोई बात नहीं, और ये सब भाई इंटरटेनमेंट के लिए हो रही है, प्लीज आप मत ट्राई करो। तुमने मौका दिया ना? हाँ इसमें बिल्कुल दम नहीं, कसम से नहीं भाग रही, नहीं भाग रही। कितना गई थी? 140 बहुत है।
बस 220 से ये उम्मीद नहीं थी यार भाई, टाइम अभी तुम चला के देखना। चलो मैं चलाता हूँ। पता है डाउन टू अर्थ बना दिया भाई, कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ बना दिया क्या? मैं पता है वीडियो में बोल रहा था कि जब मेरे पास थी तभी एक्सप्रेसवे तो था नहीं, मैंने नॉर्मली 145 भगाई है भाई इंजन कवर के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है यार भाई, मतलब इमोशंस बैठ के ये हैंडल यार। और एक तो ये भाई कभी भी ग्रिप व्रिप मत लगाया करो हैंडल वगैरह पे। चलो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। अबे भाई इसका कुछ हैंडल गड़बड़ है यार, हैंडल गड़बड़ है बाइक का भाई, ये सब गड़बड़ हैंडल वाली बाइक क्यों मिल रही है? तो गाइस मौका दे रहा पड़ रहा है भाई। हाँ यार नहीं है वो भाई, बात वो बात नहीं है। तो गाइस मौका दे रहा पड़ रहा है भाई। शुभम सही बोल रहा है, एक तो भाई सबसे जो ड्रॉबैक था ना इस बाइक का, फिर मतलब पांची गियर है इस बाइक में, पीछे लगी पड़ी है लेकिन दूर है काफी, थोड़ा सा पास आने का मौका देते हैं इसको। नहीं भाग रही भाई मेरे वेट पे तो, और नहीं भाग रही, कितना भी दम लगा लो वही है 135 लग जाएगी। देख रहे एकदम जाम हो गई है, ऐसा लग रहा है लीन होगा भागेगी। ये देखो भाई ये देखो, अरे साला लीन होगा भागेगी, बत्ती जाएगी 34 35, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो करना पड़ेगा। चलो भगा लेंगे, अब जरा लीन होते हैं फिर देखते हैं अपनी गेम। सुबह मैं स्लिप स्ट्रीमिंग करा दो हमें थोड़ी सी, स्लिप स्ट्रीमिंग के साथ 137 38 138 पे रुकी हुई है, 38 के आगे तो बढ़ ही नहीं भाई। सही बात, ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गई भाई, 39 अभी हो जाएगी 40 तक जा पा रही भाई। यार दोस्तों 20 क्या हो गया तुम्हें, ऐसे कैसे हो गया? बजाज ने क्या किया, या तो मेंटेन नहीं है कुछ तो है यार। 144 मतलब 140 कैसे जा रही है भाई, मतलब बिलीव नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा हैंडल भी टेढ़ा है बाइक, मुझे नहीं लग रहा उतनी मेंटेन है। तो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं टॉप एंड पे कुछ तो भाई बाइक असर डालेगी, तो वही मुझे लग रहा है मेंटेन। और हो सकता है BS6 या BS4 हो, तो उस चक्कर में भी मैंने सुना था कि BS6 वाली में बजाज ने हर बाइकों की अपनी बैंड बजा दी थी, जैसे RS ले लो NS ले लो, तो वो रीज़न भी एक हो सकता है, वरना मेरे पास थी तो भाई भागती थी। 140 गई बहुत मुश्किल से यार, 140 गई कम हो गया भाई, वो बात नहीं रही। BS6 है या 4 है ये? 2022 है। BS6 है, अरे यार मैंने बोला था कि BS6 होगी तो BS6 में कटौती काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उस समय बजाज ने सभी की बैंड बजा दी थी अपनी बाइकों की, RS ले लो NS ले लो सबकी। चलो कैमरे के सामने आके वीडियो को करते हैं। हाँ भाई गड़बड़ कर दिया ना इन्होंने। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को दबा के शेयर करना, और वीडियो देखो मजे लो ट्राई मत करना ये सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।